कई बार सर और बालों की बरोबर देखभाल नहीं होने या विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने के कारण हमारे सर के सेल्स बेजान होने लगते हैं। ये डेड सेल्स धीरे धीरे रूसी यानी कि डैंड्रफ का रूप धारण कर लेते हैं और सर पर दिखने लगते हैं। आजकल डैंड्रफ की समस्या लोगों की आम समस्या बनती जा रही है, परंतु डैंड्रफ को लेकर लोगों के मन में गलत धारणाएं भी है। आइए जानें ये धारणाएं क्या है और डैंड्रफ होने के वास्तविक कारण कौन कौन से हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब देखते हैं डैंड्रफ के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस जो अक्सर लोगों को होती है। बालों में तेल लगाने से डैंड्रफ चला जाएगा। बालों में डैंड्रफ होने का कारण हमेशा ड्राई और रूखी त्वचा का होना ही नहीं है, बल्कि सर पर ईस्ट की मौजूदगी भी डैंड्रफ का कारण हो सकती है। इसलिए डैंड्रफ के इलाज के लिए बालों में बहुत ज़्यादा तेल का प्रयोग करना एकदम गलत है। कम शैम्पू करने से डैंड्रफ चला जाएगा। शैम्पू करने से डैंड्रफ का होना मात्र एक गलत धारणा है, क्योंकि शैम्पू की सहायता से ही सर पर जमी ईस्ट की परत को साफ करना संभव है। बालों में इचिंग होना मतलब डैंड्रफ है। सर या कपाल पर खुजली या दांत होना केवल डैंड्रफ का ही प्रभाव हो ये कदापि जरूरी नहीं है। त्वचा संबंधी अन्य समस्याएं भी खुजली का कारण हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि डैंड्रफ रूखी त्वचा से होता है। बालों के रूखेपन और बालों में तेल की कमी को डैंड्रफ का कारण मानना गलत है। डैंड्रफ कपाल के डेड सेल्स के कारण होती है। आपके स्टाइलिंग प्रोडक्ट से आपके बालों में डैंड्रफ होता है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जो प्रोडक्ट्स वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कर्लर, स्ट्रेटनर, ड्रायर एक्सेट्रा, उनसे उनको डैंड्रफ होता है। जबकि सच ये है कि वो क्या खाते हैं, कैसे बालों की केयर करते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम, स्ट्रेस एक्सेट्रा, ये सब भी बालों में डैंड्रफ होने का मेन रीज़न हो सकता है। डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है। जब आपके बालों में खुजली होती है और आप बार बार सर में हाथ घुमाते हो, तो आपके हाथ की गंदगी के वजह से और आपकी उंगलियों के वजह से आपके बालों में टैंगल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। इसलिए बरोबर शैम्पू करने से आपका स्काल्प साफ रहेगा और आपको बालों में खुजली नहीं होगी। डैंड्रफ हटाने के लिए कोई डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना। कुछ लोगों को लगता है कि डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने से डैंड्रफ निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसे शैम्पूज आपकी बालों को एकदम ड्राई बना देते हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए एक अच्छा सल्फेट और पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ कीजिए और अपने डाइट का भी ख्याल रखें। तो देखा आपने कि हम सबको कितनी सारी गलत फहमियाँ हैं डैंड्रफ को लेके। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चंस है डैंड्रफ से रिलेटेड, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ ले। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।